उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर प्रयागराज पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बता दें कि शाइस्ता परवीन के बेटे असद पर पहले से ही 2.5 लाख का इनाम घोषित है। इसके बाद अब पुलिस ने शाइस्ता पर भी इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 लाख के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता का सामने वीडियो आया था। साबिर वही है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी। शूट आउट कांड से 5 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में अतिक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा युवक शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है। रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतिक के शूटर बल्ले के घर पहुंची थी। रात 10:20 पर वह बाहर निकलते हुए दिख रही है, यानी शाइस्ता परवीन बल्ली शूटर के घर पर 1 घंटा 23 मिनट तक ठहरी थी। इस दौरान शाइस्ता के साथ ही शार्प शूटर साबिर भी मौजूद था, जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है और उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। हाल ही में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटे अहजम अहमद और अबान अहमद को पेश करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी डाली हुई है। इसको लेकर हाईकोर्ट में 13 मार्च को सुनवाई होनी है। शाइस्ता का आरोप है कि उसके दोनों बेटे को पुलिस ने गायब किया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल शाम 4:56 पर अपने घर पहुंचे थे। उमेश पाल जैसे ही अपनी क्रेटा कार से उतरे थे, उसी तभी विजय उर्फ उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोली लगने से उमेश जमीन पर गिर पड़े थे। इसके बाद शूटर गुलाम मोहम्मद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत दूसरे बदमाशों ने उमेश समेत 2 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी। पूरा हत्याकांड घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था।